हरखौदा में अवैध शराब का स्टॉक रखने वाले गोदाम पर चला बुलडोजर। डीटीपी सोनीपत व जिला पुलिस सोनीपत ने अवैध शराब के दो दर्जन से भी अधिक मुकदमों में शामिल आरोपी भूपेंद्र सिसाना जिला सोनीपत द्वारा अवैध शराब के काले कारोबार के लिए ली गई किराए की इमारत पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सोनीपत पुलिस अवैध शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में सोनीपत पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 27 की टीम ने इसी साल 10 अप्रैल को गांव जटोला की इस इमारत से तकरीबन 1523 अलग अलग माका की अवैध शराब बियर की पेटियां पकड़ी थी। जो सूत्रों से पता चला कि ये अवैध शराब शराब तस्कर भूपेंद्र सिसाना की है, जो काफी समय इस इमारत को किराए पर लेकर यहां से अवैध शराब की तस्करी करने का धंधा चला रहा था। पिछले काफी समय से सोनीपत पुलिस शराब तस्करों की धरपकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का कार्य कर रही है। आरोपी भूपेंद्र उपरोक्त के खिलाफ विभिन्न थानों में तकरीबन 2.5 दर्जन मामले दर्ज है। आरोपी उन मामलों में जेल की सजा भी काट चुका है और कुछ मामले अभी विचाराधीन है, परंतु आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बाहर आने के पश्चात फिर से अवैध काम करने शुरू कर देते हैं। आरोपी भूपेंद्र ने ही पीपली ठेके के पास वर्ष 2023 में रामनिवास उर्फ निवासा पूर्व सरपंच पीपली पर अपने भाई जितेंद्र उर्फ धोला से कातिलाना हमला करवाया था, जिसमें भूपेंद्र मुख्य अभियुक्त है और वह इस मुकदमे में भगोड़ा घोषित है। उस पर सोनीपत पुलिस द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। सोनीपत पुलिस की ऐसे अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी है कि वे या तो गलत धंधे छोड़कर कोई अच्छा काम शुरू कर दें, अन्यथा इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। सोनीपत पुलिस नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन व सोनीपत पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार डीटीपी सोनीपत व सोनीपत पुलिस ने 30 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना खरखौदा के जटोला गांव में अवैध शराब तस्करी के लिए किराए पर ली गई इमारत को ध्वस्त किया है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न की गई। पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि आप अपने आसपास अवैध शराब नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के बारे में सूचना पुलिस को दें, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। आगे अधिक जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं पश्चिम जोन सोनीपत नरेंद्र काद्यान ने बतलाया कि भूपेंद्र द्वारा पिछले काफी सालों से अवैध शराब तस्करी करके जो चल अचल संपत्ति अर्जित की है, उसकी पूरी डिटेल सोनीपत पुलिस द्वारा ली जा रही है और उसकी रोज के गुर्गों की संपत्ति को सीज करवाया जाएगा। शराब तस्कर भूपेंद्र अपने गुर्गों व परिचितों के नाम से शराब ठेके लेकर उसकी लगभग हिस्सेदारी अपने पास रखकर उन ठेका की आड़ में शराब की तस्करी दूसरे राज्यों जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली व राजस्थान आदि में करता व करवाता है। आपको बता दें कि आरोपी भूपेंद्र निवासी सिसाना पर पानीपत, सोनीपत, हिमाचल प्रदेश, बहादुरगढ़, हरखौदा में 29 मामले दर्ज है। डीटीपी सोनीपत की तरफ से पुलिस विभाग को एक पत्र प्राप्त हुआ था कि गांव जटोला में एक इमारत को गिराया जाना है, सुरक्षा हेतु पुलिस फोर्स लगाई जाए, जिस पर एसीपी खरखौदा श्री जीत सिंह बेनीवाल की अगुवाई में भारी पुलिस बल गांव जटोला में तैनात किया गया। उक्त इमारत से सोनीपत पुलिस ने 10 अप्रैल को 1500 से ज्यादा पेटियां अवैध शराब बियर पकड़ी थी, जिसको भूपेंद्र सिसाना किराए पर लेकर यह कारोबार चला रहा था। उक्त इमारत को आज भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।